रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही भैया। वीडियो की आवाज नहीं आ रही। क्या सभी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है? नहीं भैया, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कोई है उसे जिसे आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है? आ रही है। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है, श्री माता जी भैया आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हाँ, और श्री माता जी का जो लगाया है इसकी आवाज आ रही थी? नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। वीडियो की आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अभी मानव कल्याण के लिए की थी। इसमें वीडियो की आवाज आई द्वारा आ रही है। विचार समाधि एवं मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और स्वयं को जानने में सहायता मिलती है। सहज कृषि से हम मनुष्य के आंतरिक शक्ति का प्रभाव अपने फसलों, फूलों, पशुओं, पृथ्वी, जल एवं वायुमंडल में डालते हैं। श्री माता जी ने बताया है कि वाइब्रेशन यानी चैतन्य लहरियां एक जीवंत प्रक्रिया है जो सोचती है और कार्य करती है। किसान भाई एवं बहन इन वाइब्रेशन को कृषि इत्यादि में अपना कर अधिक गुणवत्ता का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना। और बढ़िया चीज, हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता, हमने कहा लाओ बासमती। बासमती को चैतन्य डाल करके किया तो 10 गुना पैदा। इतना बड़ा बड़ा सूर्य का फूल, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला, करेक्टर कुछ आया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए तो उनके खेत हरे भरे है। इतना ही नहीं, उनके जो सब्जियां लगी है सब कुछ बिल्कुल फर्क। और फिर वो हाइब्रिड सीड ले लें, नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी हो तो उसको गुलाम होगा, पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें ऊपर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो सिलायत की गांव कईयों से कुछ कम दूध दे देती है, पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध। जो बाहर की गायों का दूध पीते हैं तो बाहर की गायों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्य मनस्क है, उनको कुछ समझ ही नहीं आती, बात अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चले तो उनको एम्बुलेंस में सामने से मोटर आ रही, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती, उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है था EQ बिल्कुल जीरो और IQ भी जीरो। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी दशा हो रही, क्या फायदा। तो ये सब चीजें बदल सकती है और ये दैवी जो चीज है इसका जो आशीर्वाद है इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है, क्योंकि ये देश योग भूमि है। बड़े बड़े महान लोग और उन्होंने अपना यहाँ खूब बहाया। नहीं
अब इसमें कोई आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज कट रहा है, आवाज नहीं है अभी इसमें कोई, आवाज कट रहा है, आवाज अभी कोई आवाज नहीं है इसमें, सिर्फ म्यूजिक है। यह जो चित्र आपके सामने आ रहे हैं, ये चित्र जो है ये फिर से एक बार रन किए जाएंगे आखिर में, ताकि आपको सहज खुशी के बेनिफिट पता चले। अभी से अनुरोध है कि आपने माइक बंद करें। अभी आपने देखा ही होगा कि सहज कृषि का जो है, श्री माता जी ने जो कहा है हमें कि सहज कृषि से काफी सारी चीजों में बढ़ोतरी होती है, धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, और हर किसी को जो है, हम सारे सहयोगियों को सहज कृषि के उदम एक कदम डालना चाहिए, अपने बाग बगीचों से जो है इसकी शुरुआत करनी चाहिए, हर सहयोगियों का ये परम कर्तव्य है। तो अभी आज हमारे सामने है श्री चंद्रशेखर सोनवने जी, जो कि सहज कल्चर जो है और सहज कृषि, इन दोनों का मिक्सचर हमारे घर में हम किस तरह से कर सकते हैं, तो अभी जो है चंद्रशेखर सोनवने जी से यहाँ पर आए हुए हैं एज अ स्पीकर, और वो हमें बताएंगे। उन्होंने पिछले जो है कम से कम 15-16 साल से सहज कृषि पे काम किया हुआ है, उन्हें काफी एक्सपीरियंस है सारा चीजों का, उन्होंने जो उनकी डिग्री है वो एग्रीकल्चर में ली हुई है, उन्होंने MBA किया हुआ है, और इस सहज कृषि का जो सारा अनुभव है वो आज हमारे सामने आपके सवालों के जवाबों के साथ और सहज कृषि में जो जो अभी तक प्रोग्रेस हुआ है उसके साथ आपको बताएंगे। तो चंद्रशेखर जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए और हमें ये सहज ज्ञान का अनुभव प्रदान करिए। मैं बाकी सारे व्यूवर्स से विनती करूंगा कि वो अपने ऑडियो और वीडियो ऑफ रखें, ताकि ये सेशन जो है एक अच्छी तरह से रिकॉर्ड होकर हजारों लोगों तक पहुंच सके। तो चंद्रशेखर जी, सहज कृषि की जो शुरुआत हुई आपकी 2005, राइट, ठीक है, तो आपने जो एग्रीकल्चर में अपना डिग्री की है, तो उसका नॉलेज और ये जो सहज कृषि का जो ज्ञान है, इन दोनों का मिक्सचर आपने कैसे बनाया, आप कुछ सहज कृषि के बारे में बताइए। जय श्री माता जी सभी को, मैं जय श्री माता जी कहता हूँ और आज के इस सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, और शैलेश दादा और नचिकेत भैया का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये सेशन अरेंज किया है। माँ की कृपा में आज सहज कृषि के बारे में बहुत सारे अपने सहजी भाइयों बहनों तक सहज कृषि की जानकारी आज पहुँचने वाली है। और जैसे दादा ने पूछा है कि अगर देखा जाए, जो मेरी जो डिग्री हुई है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो जो मेरा ऑप्शन था, जो चॉइस थी, इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय चांस, वो था। उस टाइम तो मैं सहज में था, लेकिन सहज कृषि के बारे में या कृषि के बारे में कभी भी मुझको कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब सहज कृषि के बारे में जानकारी हुई और पता चला कि माँ ने जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, उसी यूनिवर्सिटी से सहज कृषि की शुरुआत की थी, तो मैं ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि माँ ने मुझे ऐसी जगह से पढ़ाया, कृषि के बारे में जानकारी दी। अगर देखा जाए तो
तो सहज कृषि अपने दिमाग से परे है, और जो इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने वहां पे पढ़ी है वो तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन सहज कृषि जो है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। कृषि एक जीवंत क्रिया है, जैसे हम अपना सहयोग डेली बेसिस पे करते हैं उसी हिसाब से कृषि भी हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। और जिसके बारे में अधिक जानकारी अपने पास एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के जरिए हम इसकी अधिक जानकारी भी लेने वाले हैं। तो जब शैलेश दादा मुझे परमिशन देंगे कि प्रेजेंटेशन अभी हमें रन करना है तो उस टाइम पे हम आप कर दीजिए, आपको कोर्स किया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम थोड़ा फास्टली एक इन शॉर्ट जो सहज कृषि का जो प्रेजेंटेशन है उसमें सहज कृषि की जो जानकारी है वो हम अभी यहाँ से लेंगे। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिख रही है? ओके, तो जो सहज कृषि का जो है हमने उसको एक टाइटल दिया है, नाम दिया है सहज कृषि अभियान, जो माँ ने 1986 से स्टार्ट किया था राउरी कृषि विद्यापीठ से। ये हम हर जगह पे, ये जो आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहे हैं माँ की, सूरजमुखी के साथ में जो है उसका है। और हम सभी को पता है कि माँ ने सहज योग की शुरुआत नारगोल में 5 मई 1970 से की थी। तो सहज कृषि में इम्पोर्टेंट क्या है, जो माँ ने हमें जो वाइब्रेशंस की जो अनुभूति दी है उसी का हमें, उसी परम चैतन्य का हमें इसमें यूटिलाइजेशन करना है, उपयोग करना है। तो ब्रह्मांड में जो ये चैतन्य की जो शक्ति है जिसको अंग्रेजी में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, कि जो हम पंच महाभूत तत्वों से प्राप्त कर सकते हैं उसी का हमें इस सहज कृषि में इस्तेमाल करना है। तो जो पंच महाभूत है जिसमें है पृथ्वी तत्व है अर्थ, फिर जल तत्व है वाटर, वायु तत्व है एयर, फिर फायर है अग्नि तत्व, और आकाश तत्व है दैट इज स्पेस। तो इनका सहज कृषि पे क्या असर होता है या इनका बेसिक क्या है कि जो सहज कृषि में हमें हेल्प करते हैं। जैसे हमें पता है कि अपना जो शरीर है वो पंच महाभूत तत्वों से बना है, उसी प्रकार से और जैसे सहयोग एक जीवंत क्रिया है वैसे ही सहज कृषि भी एक जीवंत क्रिया है। इट्स नॉट अ डेड थिंग, कृषि एक जीवंत क्रिया है। तो इन पंच महाभूत तत्वों का इस कृषि पर किस तरह से असर होता है, हम सभी जानते हैं कि बीज को हमें सबसे पहले पृथ्वी तत्व में बोना पड़ता है तभी जाके वो अंकुरित होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व का महत्व है। और हम सब जानते हैं कि बिना जल कोई भी खेती नहीं हो सकती है। तो जैसे जैसे खेती हम करते हैं वैसे वैसे हर समय हमें जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जल तत्व का उपयोग है। फिर एयर वायु तत्व जो है, हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन करना, जैसे हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से पेड़ों को भी सांस लेना बहुत जरूरी है। तो वहां पे वो वायु तत्व का इस्तेमाल करते हैं। और जो अग्नि तत्व है वो हम सब जानते हैं कि पेड़ सूरज से जो रोशनी मिलती है उससे अपना खाना बनाते हैं, उसी प्रोसेस को अंग्रेजी में कहते हैं, साइंस में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो अग्नि तत्व है फायर स्टेट जो है उससे कृषि में उसका फायदा है। और जो ये पेड़ जो उगने वाला है और इस यूनिवर्स में जो फैलने वाला है, बाहर जो फैलने वाला है, उसके लिए उसको एक जगह चाहिए, उसे कहते हैं, वहां पे वो आकाश तत्व का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जो पंच महाभूत तत्व है इनका ये रोल है सहज कृषि में। सहज कृषि जो है वो पशुपालन और कृषि उद्योग में भी एक तरह से क्रांति ला सकती है। माँ ने सबसे पहले विराट पूजा जो 1990 में हुई थी वहां पे कहा था कि कृष्ण शब्द कृषि से आता है जिसका अर्थ है कृषि है।
तो कृष्ण शब्द भी कृषि से आता है, जिसका अर्थ होता है कृषि करना। और माँ ने हमें बताया है कि इस कृषि के साथ साथ हमें लोगों को भी कृषि करनी है। हमें किसकी खेती करनी है? लोगों की खेती करनी है। हमें सहज योगा के माध्यम से लोगों की खेती करनी है। हम अपने जो कृषि भाई है वो तो डेली बेसिस पे कृषि करते ही है, लेकिन जो किसान भाई नहीं है तो उनको क्या काम है? तो महा ने कहा है कि सहज कृषि द्वारा सहज योग के साथ हमें इंसानों की खेती करनी है, मानव की कृषि करनी है, यानी उत्क्रांति करनी है। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आगे चलकर हम लोग देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो कोई भी मृदा होती है, सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं या उनके कुछ कॉम्पोजिशंस होते हैं, जिसमें यहाँ पे हम पाई चार्ट में देख सकते हैं। कोई भी अगर मिट्टी है तो उसमें जल का जो प्रमाण होता है वो 25% होता है, फिर हवा का जो प्रतिशत है वो 25% है, और जो पोषक तत्व जो है, जो मिनरल्स है, उनका परसेंटेज होता है 45%। ये हो गए टोटल 95%। और जो बचा हुआ जो 5% है, 5% है, वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ ने उसे कहा है दैट इज अ कार्बन परसेंटेज। और कार्बन को ही श्री माँ ने कहा है कि वो गणेश तत्व है। यहाँ पे लिखा है कि मृदा में जब अगर 5% कार्बन है तो ही मतलब उस मृदा की जो क्वालिटी है, उस मिट्टी की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। जब तक इसका कहना क्या है, अगर हम सहज भाषा से अगर देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जिस मिट्टी में अगर गणेश तत्व जागृत है तो वो मिट्टी, मतलब 5% अगर कार्बन है तो वो मिट्टी खेती के लिए अधिक उपजाऊ है और अच्छे तरीके से वो खेती के लिए काम कर सकती है। तो इसीलिए ये जो गणेश तत्व है, माने 5% जो कार्बन कंपोजिशन जो है वो उस मिट्टी में होना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी में गणेश तत्व हम कैसे जागृत कर सकते हैं, उसका भी हम आगे जानकारी उसकी हम लेने वाली है, लेने वाले हैं। ये जो कार्बन होता है, ये क्या, ये जो कार्बन होता है ये कम से कम 5% होना चाहिए, कैसे होता है? कम से कम 5% होना चाहिए। अब 5% मतलब उसका हाईएस्ट लिमिट भी हम कह सकते हैं। 5% अगर है तो वो मिट्टी सबसे अच्छी है। और वो पता कैसे चलेगा कि 5% है? उसके टेस्टिंग होते हैं। हाँ, सॉइल टेस्टिंग लैब होती है, उसमें हम अपने खेत का जो सॉइल है उसका सैंपल दे सकते हैं। और सॉइल का भी जो सैंपल देना है वो एक ही जगह से नहीं देना है आपको। जो अपनी लैंड है, मान लो 1 acre की लैंड है, तो उसको इक्वली डिवाइड करके अलग अलग जगह से, 4 से 5 जगह से आप उसके सैंपल्स लेके उसमें दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप सॉइल टेस्टिंग लैब में जाते हो तो वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से सॉइल कलेक्ट करनी है और उनको देनी है, ताकि वो एग्जैक्टली एग्जामाइन करके हमें बता सके। तो ये जो है मिट्टी, अगर इसमें सभी प्रकार के गुण है तो इसमें हम देख सकते हैं कि मिट्टी में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, जिसको NPK कह के बोलते हैं सब लोग, कि NPK अगर अच्छा है मिट्टी में तो मिट्टी अच्छी होती है। अदर जो होते हैं वो जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, फेरस है। तो जब इस मिट्टी में हम चैतन्य देते हैं या चैतन्यमय पानी जब डालते हैं इस मिट्टी को, तो उस मिट्टी में ये जो मिनरल्स पहले से अवेलेबल है, तो जो अपना पौधा है वो इन मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे परम चैतन्य का काम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मिट्टी को करते हैं और इतने में पानी अगर डालते हैं तो पौधा इन मिट्टी में जो ऑलरेडी जो ये मिनरल्स अवेलेबल है उनको वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी सहज कृषि के पीछे जो तकनीकी तर्क है वो क्या है वो हम देखते हैं। सहजोग तकनीक का उपयोग कर किसी कृषि उत्पाद या पशुपालन को सहज कृषि कहा जाता है। एक विद्युत चुंबकीय कंपन जो 5 तत्वों, मतलब जो पंचमहाभूत तत्वों से बना है, जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं, वो पौधों, जानवरों, मछलियों, पक्षियों आदि में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। माने कहा है कि ये जो चैतन्य है ये सोचता भी है और उस हिसाब से स्थिति में हम भी करता है। ठीक है,
परम चैतन्य बीज फीस पानी आदि जैसे कृषि उत्पादों को बदल सकते हैं और फिर नियमित कृषि उत्पादन के लिए उपयोग में उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो ये परम चैतन्य का अपने सहज कृषि में बहुत बड़ा महत्व है। सहज कृषि का सिद्धांत क्या है? ये जो चैतन्यमय जो पानी है, चैतन्य का मतलब है उस पानी में गणेश तत्व को प्रबुद्ध हो रहा है। मतलब उस पानी में जब हम किसी पानी को माँ के सामने रखते हैं वाइब्रेट करने के लिए, चैतन्यमय करने के लिए, इसका अर्थ होता है उस पानी में हम गणेश तत्व जागृत कर रहे हैं। और माँ ने कहा है कि एक बार जब आप श्री गणेश के सिद्धांत को उत्तेजित बीज में डाल देते हैं तो यह 10 गुना हो जाता है, कभी कभी 100 गुना भी हो जाता है। जैसे अभी आपने जो श्री माँ की जो अभी वीडियो सुनी है उसमें भी माँ ने यही कहा है। यहाँ तक कि माँ धरती, जिसे हम कुछ मरे हुए मानते हैं, अगर हम उसे चैतन्य दे सकते हैं तो उसमें भी अलग तरीके से बदलाव हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो कोई भी अगर सॉइल है, अगर जमीन है, उसको अगर उसका जो क्या बोल सकते हैं हम, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसको अगर चेंज होना है तो कम से कम 3 साल का समय उसको लगता है। मान लो कृषि भाई अपना अगर आज पूरा केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल खेती कर रहा है, अगर उसको चेंज होना है ऑर्गेनिक में तो ड्रास्टिकली सडनली एक ही साल में चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मृदा को पहले से, उस सॉइल को पहले से केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का वो यूज कर रहा है। तो उसको अगर चेंज करना है तो वो धीरे धीरे चेंज होती है। इस प्रकार से अगर किसी सॉइल के स्ट्रक्चर को अगर चेंज होना है तो उसमें कम से कम 3 साल लग सकते हैं। हाँ, अगर वो कृषि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा सहज कृषि टेक्निक्स अगर आजमाता है तो उनको रिजल्ट बहुत फास्ट तरीके से मिल सकता है। एक गणेश पूजा में माँ ने कहा है, थोड़ी सी बीज की तरह जब यह अंकुरित हो, बीज की नोक पर जो छोटा अणु है जिसने गणेश तत्व को प्राप्त किया है, अगर वो जागृत होता है तो यहाँ पे माँ ने कहा है बीज के नोक पर जो होता है एक अणु जो होता है, तो वहां पे गणेश तत्व अगर जागृत हो जाए तो उसका अंकुरण अधिक तरीके से और अच्छी तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें और एक जो टेक्निक है कि माँ ने कहा है कि हमें सहज कृषि जब करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण है गणेश मंत्र, शाकंबरी देवी मंत्र। शाकंबरी देवी मतलब कि धरनी माँ है, वही मृदा तत्व है, वही सॉइल है जिसे हम शाकंबरी देवी कहते हैं। और ऋतंभरा प्रज्ञा मंत्र, ऋतंभरा प्रज्ञा मंत्र क्या करती है, वो प्रकृति का और कृषि का दोनों का मेल कराती है और चैतन्य का अधिक से अधिक कैसे इस्तेमाल वो कर सकती है, यहाँ पे ये ऋतंभरा प्रज्ञा देवी कार्य करती है। हमें घर में भी करना है तो इस तरह से गणेश मंत्र, शाकंबरी और ऋतंभरा प्रज्ञा, हाँ ये मंत्र हम ले सकते हैं। ओके, तो इसी रिगार्डिंग अगर अभी बहुत सारे लोगों का कहना था या पहले भी बातचीत हो गई है कि चैतन्य देने के बाद सही में पानी में कुछ बदलाव आते हैं क्या, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत पहले ही एक जो हमारे साइंटिस्ट है मिस्टर हमीद माइलानी जो ऑस्ट्रिया से है, उन्होंने पानी के ऊपर कुछ प्रयोग किए थे, टेस्टिंग किए थे। जो सामान्य पानी जो होता है, जो साधारण पानी जो होता है, उसका जो वाटर बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, उसी पानी को माँ की कृपा में अगर चैतन्यमय किया जाए, श्री माँ के सामने रखा जाए या उसको चैतन्यमय किया जाए, तो उस वो वाटर बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज होता है 108.45 डिग्री तक। मतलब यहाँ पे वाटर बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये वाटर बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होता है, इसके पीछे की जो टेक्निक है वो उससे क्या बेनिफिट होता है कि जब किसी भी पानी का वाटर बॉन्ड एंगल होता है तो उसकी जो घुलन क्षमता है उस मिट्टी में बढ़ जाती है और डाइल्यूट होने की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, और उसके साथ साथ जो पौधों के जो रूट्स है, जो मूल है, वो उनको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट वाटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने का है। तो ये वाटर बॉन्ड एंगल कैसे इंक्रीज हो सकता है कि माँ की कृपा में अगर हम पानी को चैतन्यमय करते हैं तो ये वाटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। इसके वजह से जो है इसकी शीतलता बदल जाती है और साथ में जो है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड्स के साथ उसका जो मिलाप होता है उसमें भी
सुप्रिया जैसे चीजें तैयार Right. और उसके साथ साथ जो वाटर की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी बदलाव दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पे परीक्षण के लिए उन्होंने क्या किया था कि चैतन्य का पानी की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव होता है। 15 ml पानी चैतन्यमय पानी, 15 ml चैतन्य पानी उन्होंने डेढ़ लीटर पानी में उन्होंने डाला था, तो पानी की जो गुणवत्ता है, जो शुद्धता है, वो 10 से 70% बढ़ गई थी। और उसके जो रिजल्ट से यहाँ पे आप पहले कॉलम में देख सकते हैं कि जो पानी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से उस पर टेस्टिंग किया गया था। सेकंड जो कॉलम है वो सामान्य पानी का है और तीसरा जो कॉलम है वो चैतन्यमय पानी का है। अभी कुछ कुछ जो पैरामीटर्स है वो बुरे होते हैं, तो उनमें भी जो उनके जो परसेंटेज है वो कम हो गए है और जो पैरामीटर्स अच्छे होते हैं तो वो बढ़ गए हैं। तो ये कंपेरिजन आप देख सकते हैं इसमें कि इस प्रकार से टेस्टिंग हो चुकी है। या किसी को अगर डाउट है मन में कि हम वाइब्रेट के लिए रखते हैं या वाइब्रेशन देते हैं तो सही में इसमें कुछ बदलाव होते हैं क्या, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पे ऑलरेडी साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि हाँ उसमें बदलाव होते हैं। तो ये आप चीज ध्यान में रख सकते हो। उसके साथ साथ ये पानी का टेस्टिंग हो गया, उसके साथ साथ पौधों में क्या बदलाव होते हैं, अंकुरण में क्या बदलाव होते हैं। अंकुरण में जो है वो अच्छे से बदलाव होते हैं, उसके आगे भी स्लाइड से वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पौधों की जो बढ़ोतरी होती है, जो पौधा जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है उसकी जब वृद्धि होती है, तो सामान्य पौधों और चैतन्य में जो पौधा है उसके कुछ परीक्षण किए गए, तो सामान्य पौधों का जो उनके पत्तों की जो हाइट थी या उनकी जो ग्रोथ थी, वृद्धि थी, वो अगर हम चैतन्यमय पौधों के साथ कंपेयर करते हैं तो बड़ी हुई थी, उनके पत्तों की साइज बड़ी हुई थी, उनका जो कलर था वो सामान्य पौधों से काफी अच्छा था और गहरा था। तो इनके भी परीक्षण किए गए हैं। हमने कोविड के टाइम में लगभग 2 साल पहले यहाँ से एक नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र है दहेगांव, शेवगांव तालुका में है, वहाँ पे भी अपने एक सहयोगी साइंटिस्ट है मिस्टर निबे करके, तो वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर है उन्होंने हमें अनुमति दी थी कि एक जगह पे हम सहज कृषि की ट्रायल ले, टेस्टिंग ले। तो वहाँ पे हमने इक्वली एक नॉन वाइब्रेट प्लॉट किया था और वाइब्रेटेड प्लॉट किया था। तो हमें वहाँ पे सबसे पहले गवार क्रॉप पे उन्होंने टेस्टिंग करने के लिए दिया था, तो बहुत ही अच्छे से उनके रिजल्ट आए हैं। मेरे पास शायद उनका सर्टिफिकेट भी है या आप वेबसाइट पे भी वो सर्च कर सकते हो, उसका डेटा भी है, अगर आप चाहे तो वो हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। वहां पे भी मतलब ये बहुत पुरानी चीज नहीं, हाल ही में हमने ये 2 साल पहले ये किया है, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि सहज कृषि के क्या बेनिफिट्स है। ये आप देख सकते हो एक कुछ परिणाम है चैतन्यमय और बिना चैतन्यमय के रूप दिखे दिख रहे हैं। तो ये वाइब्रेटेड और नॉन वाइब्रेटेड का आप देख सकते हो, जो पहला जो ट्रे है वो वाइब्रेटेड का है, दूसरा नॉन वाइब्रेटेड का है। यहाँ पे गेहूं के कुछ बीज लिए थे, तो मैं और ये साइड में जो दूसरी स्लाइड है वहां पे धान का है, मतलब चावल का जो है वो कोलकाता में एक अपने सहजी भाई है उन्होंने वो प्रयोग किया था, तो धान में भी एक अच्छा सा ये प्रयोग वहां पे हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो भी अपने कृषि भाई जो सुन रहे हैं, तो हर साल अपने प्लॉट में एक प्रैक्टिकल हमें ऐसा करना है कंपैरिजन के लिए। आपको खेती तो कंपलसरी कृषि से करनी ही है, सहज योगा पद्धति से तो आपको कृषि करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सहज कृषि के माध्यम से सहयोग भी बढ़ाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक अपने प्लॉट में एक छोटा सा एक हिस्सा आपको नॉन वाइब्रेटेड का भी बनाना है, बाकी खेती तो आप वाइब्रेटेड में कर ही रहे हैं, और उसका डेटा हमें मेंटेन करना है। ये डेटा हम कैसे मेंटेन करेंगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। साथ में घर का भी बता दीजिए, अगर घर में बाग बगीचा का कुछ बनाना है तो उसके बारे में भी बता दीजिए कैसे करना है, उसका डेटा मेंटेन करना है तो किस तरह से करना है। ओके, वो भी मैं बताता हूँ। ये अलग अलग फोटोज है जो हमने कलेक्ट किया है, ये देखो आप मूलों की साइज पे भी उस पे बहुत अच्छा खासा असर हुआ है। अगर आप मूलों की साइज देखोगे इन कंपैरिजन टू
वाइब्रेटेड और नॉन वाइब्रेटेड, वाइब्रेटेड में अच्छी खासी उनकी वृद्धि हो चुकी है। इसका कहने का मतलब यह है कि हर एंगल से सर्स कृषि को टेस्ट किया गया है और प्रूव किया गया है। अगर वैसे देखा जाए तो सहज योगा को या सहज कृषि को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानव है, अपने दिमाग में हम कभी कभी मानव बुद्धि से ज्यादा चलता है, आत्मा से या हृदय से कम चलता है, तो उनके लिए ये चीजें साइंटिफिकली प्रूव करना जरूरी हो जाता है। और जब कभी हम किसी कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं, कोई कॉलेजेस में जाते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा बुद्धि से सोचते हैं तो बोल दे कि भाई प्रूफ है क्या आपके पास, वो बताओ। तो इसके लिए ये चीजें करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सहज कृषि के फायदे क्या है? ये फायदे हमें अपने लिए भी लेने हैं, और जब कभी भी कोई भी सहजी भाई सहज कृषि के माध्यम से अगर सहयोग प्रचार प्रसार करने जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम देहातों में जाते हैं, जैसे माँ ने कहा है कि देहातों में जाओ, देहातों में सहयोग बहुत फास्ट बढ़ सकता है। देहातों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो किसानों की है। तो किसान क्या देखता है कि भाई सबसे पहले मेरा फायदा क्या है वो बताओ, ठीक है, तुम्हारा सहयोग में कर लूंगा, तू बोलेगा वैसे मैं ध्यान कर लूंगा, माँ को पूजूंगा, लेकिन उसमें मेरा फायदा क्या है, ये किसान भाई सबसे पहले पूछता है। तो ये फायदे जो है आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। ये फायदे अगर हम उस किसान भाई को बताते हैं तो वो सहजोग अपना सकता है, सहज कृषि अपना सकता है। सबसे पहले क्या है, सरल है, आसान है और प्राकृतिक है। हम सभी जानते हैं सहजोग आसानी ही है और सरल है, इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है। और जो खेती आप कर रहे हैं वो ही प्राकृतिक खेती आपको करनी है, उसमें ऐसा कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब किसान बोल सकता है कि भाई मुझे अलग क्या करना है, उनको कहना है कि अलग कुछ नहीं करना है, जो आप पारंपरिक खेती करते आ रहे हो वही आपको इसमें करनी है। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, कम जगह में अधिक उत्पाद हम ले सकते हैं। जैसे माँ ने माँ की स्पीच में बताया कि इसमें 10%, 70%, 100% बढ़ोतरी होती है, तो उसी जगह में आपको अधिकतम उत्पाद हमें मिल सकता है। उसके अलावा जो अनाज, फल, फूल, सब्जियां जो आने वाली है उनकी गुणवत्ता में भी सुधार आता है। जैसे हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा है कि पौधों पे क्या परिणाम हुए हैं, मूलों पे क्या परिणाम हुए हैं, मिट्टी पे या पानी पे क्या परिणाम हुए हैं, तो उसके उससे क्या होने वाला है, जो भी उत्पाद होने वाला है उसकी गुणवत्ता अच्छी होने वाली है। गुणवत्ता अच्छी है इसका मतलब क्या, मार्केट में आपको उसका अच्छा रेट मिलने वाला है, बराबर। उसके साथ साथ जो अंकुरण जो है उसका सुधार में, उसमें भी सुधार होता है। आपने जो दो ट्रे देखे हैं जिसमें गेहूं का हमने कंपैरिजन किया था, वाइब्रेट और नॉन वाइब्रेट, वो स्लाइड दिखाते हैं कि बीज के जो अंकुरण है उसमें भी अच्छे से सुधार आता है। उसके साथ साथ क्या है, बेहतर फसल वृद्धि, फसल में भी अच्छे से वृद्धि होती है, और न्यूनतम कीट के हमले। माँ ने अपनी स्पीच में कहा है, एक राउरी का श्री माँ ने अपने स्पीच में एग्जांपल दिया था कि एक गोडाउन में कुछ गेहूं चावल रखे हुए थे जो वाइब्रेटेड थे, उसको किसी भी चूहे ने दांत नहीं लगाए थे। तो ये मिरेकल है सहज कृषि का, इसी का। तो सहज कृषि अगर हम करते हैं तो कीटों की जो हमला है वो कम होता है, वो न्यूनतम होता है, फसल उपज बढ़ाता है, फसल की भी जो उपज है वो बढ़ती है, दूध उत्पाद बढ़ता है। तो बहुत सारे भाइयों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये खेती रिगार्डिंग ही सहज कृषि है क्या, नहीं, जो भाई पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए भी, मतलब पशुपालन में भी हम सहज कृषि टेक्निक आजमा सकते हैं। वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पशुपालन में क्या करना है। जैसे हम खेती में चैतन्य देते हैं वैसा ही चैतन्य का उपयोग हमें पशुपालन में भी करना है। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि सहज कृषि में क्या क्या टेक्निक हमें यूज करनी है। तो इसमें दूध उत्पाद भी बढ़ता है, पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, वो कैसे अच्छा रहता है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। और अगर आपका फसल का अगर क्वालिटी अच्छी है, कम जगह पे ज्यादा उत्पाद मिल रहा है, फसल की बढ़ोतरी अच्छी है, अंकुरण अच्छा है, तो उससे क्या होने वाला है, मार्केट में जो है वो आपको मूल्य, उसका जो दाम है वो अच्छा मिलने वाला है।
तो इस तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सहयोग और सहस्कृषि दोनों मुफ्त है, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सब, हम सभी को पता है कि सहयोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी तरह से सहस्कृषि भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उल्टा मैं तो कहूंगा कि सहस्कृषि अगर आप ज्यादा अपनाओगे तो आपके आज के तारीख में जो खर्चे है, आप देखोगे कि एक साल, दो साल, तीन साल के बाद वो खर्चे लगभग आपके 50% से कम हो गए होंगे। तो सहस्कृषि से ये बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। इसके ऊपर हाल ही में 2016 में कुछ प्रयोग किए गए थे। 40 गांव के एक अपने सहजी भाई है, उनकी सूरजमुखी की खेती थी, तो उन वहां पे भी कुछ प्रयोग किए गए थे। तो उसके कंपैरिजन चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फूल का जो साइज था, फ्लावर साइज जो था, वाइब्रेट में और नॉन वाइब्रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वाइब्रेट की फूल की साइज 12 इंच से 13 इंच की थी और वही नॉन वाइब्रेट की 8 इंच से 9 इंच थी। प्लस फ्लावर का जो वजन था, फूल का जो वजन था, वाइब्रेट में 1 किलो 200 ग्राम था, वही नॉन वाइब्रेट में 750 ग्राम था। परसेंटेज ऑफ फर्टिलिटी जो थी वो वाइब्रेटेड में 100% थी, वही नॉन वाइब्रेट में 80-90% थी। प्लांट की जो हाइट थी वाइब्रेट में 6.5-7 फीट की थी और नॉन वाइब्रेट की 5.5-6 फीट थी। और बीज की जो साइज थी, साइज ऑफ सीड्स जो थी वाइब्रेट में 5.5-8 mm थी, वही नॉन वाइब्रेट में 4-7 mm थी। ये उसके फोटोज है, ये प्रैक्टिकल फोटोज है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ सवाल है? यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे कि ये जो सारी खेती है, ये सारी खेती एक खेत में की गई है, ठीक है। हम अपने घर में इसको जो है, हमारे शहरों में हर कोई चाहता है कि अपना एक छोटा सा घर हो, घर में थोड़े से पेड़ हो, थोड़ा सा बाग बगीचा हो, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? ओके, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और शायद मुझे लग रहा है ये अपने आज के सेशन का मेन टॉपिक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए मेरी डिग्री एग्रीकल्चर में है, माँ की कृपा से सहज कृषि का भी काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई भी खेती नहीं है। लेकिन जो आपने जो सवाल पूछा वो इससे जुड़ा हुआ है, अगर खेती नहीं है तो हमें सहज कृषि नहीं करनी है क्या? ऐसा नहीं है, उल्टा हमें सहज कृषि और अच्छे से और अधिक पैमाने पे हम कर सकते हैं। क्योंकि किसान जो भाई है उसको तो उसके खेत तो उसको चला नहीं है, लेकिन अपने पास अगर खेत सहज कृषि नहीं करनी है क्या? ऐसा नहीं है, हमें उल्टा सहज कृषि अच्छे तरीके से करनी होगी। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, यस, सुनाई दे रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं एक 2 मिनट का पॉज लूंगा, खाली मुझे एक नेटवर्क पे शिफ्ट करना है, अलग नेटवर्क पे, डेटा यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं पॉज लेता हूँ 2 मिनट का, ठीक है। तब तक मैं लोगों से सवाल जो है टाइप करने के लिए कहूंगा कि अपना नाम और सवाल लिखे, ताकि जो है हम सवालों को अच्छी तरह से समझ सके। आने वाले समय में सहज कृषि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। हमारी राहुरी में जब चर्चा चल रही थी डॉक्टर नीलेश जंगले पाटिल और उनकी टीम के साथ, तो आज से 2-3 साल पहले की बात है, बिफोर कोविड हमारी बात हुई थी, कि श्री माता जी ने कहा है कि कल्कि का अवतरण होगा, सब जगह पे डिस्ट्रक्शन होगा। तो जमीन का ये गुणधर्म होता है कि जहां पर भी कंक्रीट मिक्स हो जाता है जमीन के साथ, तो वहां पर की खेती जो है आप नहीं कर पाते। अगर समझ लीजिए आपकी जमीन है और अगर एक बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और उसका जो कॉन्क्रीट है, ठीक है, उसका जो सीमेंट है, चुना है, सारी चीजें जो है अगर जमीन में धस गई, तो वहां पर उस जगह पे खेती नहीं की जा सकती। ये सीवी जो है, ठीक है, हमें सिखाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सहज कृषि से हम उस जगह पे भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि उससे सॉइल जो है, सॉइल की रिप्रोडक्टिविटी जो कम हुई रहती है कॉन्क्रीट की वजह से, वो बेहतर होने में सहज कृषि से मदद देते हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी फिर जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत जी, प्लीज कंटिन्यू।
चंद्रकांत जी अभी नेटवर्क सही है? हाँ, आ रही है अभी आवाज? हाँ यस, एकदम परफेक्ट आ रही है। ओके, तो अपना स्लाइड जो है शेयर करिए। हाँ मैं शेयर करता हूँ, अभी काफी बेहतर है नेटवर्क। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मैं लोगों से विनती करूंगा कि तब तक आप चाहे तो अपने सवाल टाइप करके रखें या अपने पास लिख के रखें, शायद पॉसिबल ना हो हर किसी को बोलने देना। यस, स्क्रीन दिख रही है भैया? हाँ, नहीं स्क्रीन अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही, एक मिनट। हम सभी के पेशेंस की सराहना करते हैं। स्क्रीन अभी दिखाई देने लगी? हाँ अभी दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ। तो भैया आपका जो सवाल था कि हर कोई अपने घर में बाग बगीचे में कैसे खेती कर सकता है, ठीक है, तो और इसकी हमें थोड़ी सी ये भी होनी चाहिए, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे हमें करना चाहिए। जिनके पास खेती नहीं है तो अपने घर में कुछ पौधे लगा सकते हैं, या अगर टेरेस गार्डनिंग अगर कोई कर सके या किचन गार्डनिंग कोई कर सके तो वो कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो पौधे आपको अच्छे लगते हैं, आप फलों के, सब्जियों के या फूलों के भी पौधे आप लगा सकते हैं, अपने आंगन में लगा सकते हैं, कुंडियों में लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप फूलों के, एक दो फूलों के तो लगा ही सकते हो, उसमें से जो फूल आने वाला है वो हम कम से कम श्री माँ के चरणों में अर्पित कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जो कॉमन टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम अपने रोज के किचन गार्डन में भी इस्तेमाल सकते हैं, साथ साथ खेती में भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो बीज जो है, जो हम बोने वाले हैं, जिसका सोइंग करने वाले हैं, वो बीज बुआई के एक दिन पहले श्री माँ के सामने हमें रखने हैं। तो किसान भाई कह सकते हैं कि भाई हमें तो बहुत सारे एरिया में बोरी भर के हमें बीज बोने पड़ते हैं और हर किसी चीज में पॉसिबल नहीं कि वो बोरी हम माँ के सामने रखें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उस बोरियों में से कुछ एक कटोरी बीज हम सैंपल के तौर पे रख सकते हैं माँ के सामने। उसके साथ साथ जो खेती है वहां की कुछ टोकरी भर एक मिट्टी आप लाओ, लेके आओ, और एक अगर आपके पास बोरवेल का पानी है या अगर वेल का पानी है, कुएं का पानी है या नल का पानी है, एक बाल्टी भर पानी, हमें ये तीनों चीजें, मतलब बीज, मिट्टी और पानी, ये चीजें हमें माँ के सामने रखनी है, एक दिन पहले रखनी है। माँ के सामने दिया जलाए, प्रार्थना करें। उस टाइम जो मंत्र लेने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गणेश मंत्र लेना है, तीन मंत्र लेने हैं, फिर गणेश अथर्व शीर्ष हमें कहना है, उसके बाद शाकंभरी देवता मंत्र, ऋतंभरा प्रज्ञा देवता मंत्र, फिर प्रकृति देवी मंत्र, धन्वंतरी माता मंत्र, ग्राम देवता मंत्र आप लिख सकते हो इस तरीके से, और परम चैतन्य का हमें मंत्र लेना है। उसके बाद हमें माँ को हृदय से प्रार्थना करनी है, हे श्री माँ, ये आपके सामने हम सहजीव, हम बालकों ने आपके सामने ये बीज रखे हैं, मिट्टी रखी है, पानी रखी है, और जो कुछ अगर सामग्री है वो भी आप रख सकते हैं। हे माँ, कृपया आप इन सामग्री को आपकी कृपा में चैतन्य प्रदान कीजिए, इसको आपके परम चैतन्य से चैतन्यमय कीजिए। हे माँ, आपकी कृपा में हम इस बीज को अपनी खेती में बोने वाले हैं। हे माँ, ये खेती आप ही की है, इसमें से उगने वाली हर फसल आपकी है, कृपा करके आप ही इस खेती की और इस खेती में से उगने वाली फसल की रक्षा करें। ये खेती आपकी है, ये फसल भी आपकी है, कृपया आप इसकी रक्षा करें। हे माँ, कृपया आप इस खेती में से अच्छे प्रति का, अच्छे क्वालिटी का और चैतन्यमय उत्पाद आप यहाँ से उत्पादित करें, ताकि और इसी चैतन्यमय खेती के साथ आप आस पड़ोस का जो परिसर है उसमें सहयोग का आप फैलाव करें, चैतन्य का आप फैलाव करें, और ये खेती आप ही की है। हे माँ, कृपया आप हम पे कृपा करें।
और ये प्रार्थना करके 2 से 5 मिनट ध्यान करना है, ये चीजें वैसे ही रखनी है तो ये। और दूसरे दिन जब हम खेती में जाते हैं तो ये बीजों की बुवाई करनी है। बुवाई करते समय जो मिट्टी वाइब्रेटेड हो चुकी है माँ की कृपा में, उसे हमें अलग अलग जगह पे फैलाना है। और जो चैतन्यमय जो पानी है वो आप वापिस आपके बोरवेल में डाल सकते हो, कुएं में डाल सकते हो, या जब आप कैनाल के थ्रू अगर इरिगेट कर रहे हो तो वो इरिगेशन के टाइम थोड़ा थोड़ा ये चैतन्यमय पानी आप कैनाल के थ्रू भी दे सकते हो। ये हो गया बुवाई तक का। बुवाई होने के बाद रेगुलरली हमें उस पौधों को, उस खेती को चैतन्य देना है। अगर पॉसिबल है तो 2 टाइम, या नहीं है तो 1 टाइम हमें उस खेती में जाके ध्यान करना ही है। उस खेती में बैठ के हमें गणेश मंत्र, 3 महामंत्र, गणेश चतुर्वशिष कहना है। जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती जाती है आप फसल में से घूमना है और फसल को हमें चैतन्यमय चैतन्य देना है, माँ से प्रार्थना करनी है। और घूमते घूमते आप गणेश चतुर्वशिष का भी पठन कर सकते हो। आपको वहां पे लिटरली आपको अनुभूति होगी कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको अनुभूति होगी कि वो फसल आपके हाथ से चैतन्य खींच रही है। जैसे आप जाते हो चैतन्य उस फसल को एक तरीके का आनंद मिलता है, वो आपके तरह से चैतन्य खींचना चाहती है। ये रेगुलरली हमें करना है, रेगुलरली खेत में जाके हमें ध्यान करना है। और जिनकी इसकी खेती है, चावल की अगर खेती है तो हम चावल के खेत में जाके बैठ नहीं सकते हैं, तो भाई बहन जो अपना जो एरिया है, बाउंड्री है, बाउंड्री पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, वहां से भी अपने वो फसल को चैतन्य प्रदान कर सकते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे होना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। उसमें और एक चीज कर सकते हैं कि आप सहज के जो अपने भजन है वो भी फसल को सुना सकते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं। और माने कहा है कि चैतन्य एक तरह से सोचता है और उस हिसाब से क्रिया करता है, तो फसल को अगर आप भजन सुनाते हैं तो वो भी आनंदमय होती है, उनको चैतन्य प्राप्त होता है और उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। तो ये सेम चीज हम अपने जब किचन गार्डनिंग करने वाले हैं तो ये सेम तकनीक हमें अपने किचन गार्डनिंग में भी इस्तेमाल करनी है। पौधों को चैतन्य देना है। एक रात पहले आप एक पेले में या लोटे में पानी भर के श्री माँ के सामने रख सकते हो चैतन्य होने के लिए, और दूसरे दिन वही चैतन्यमय पानी आप दूसरे अलग पानी में मिक्स करके ये अपने पौधों को हम ये चैतन्यमय पानी दे सकते हैं। हाँ, जो अपने फ्लावर पॉट्स है उनको भी आप चैतन्य प्रदान कर सकते हो। अपने किचन, अपने गार्डन में बैठ के भी आप गणेश चतुर्वशिष बोल के उनको चैतन्य प्रदान कर सकते हो। माँ से प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और आपको उसी वक्त फीलिंग आ सकती है कि हाँ नहीं, हमें माँ ने उसकी अनुभूति करवा दी है कि ये जो चैतन्य की जो अनुभूति है वो आपको वहां से प्राप्त हो सकती है। किसान भाइयों को और एक मैं विनती करना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एरिया वाइज उनका क्रॉप डिसाइड होता है। मतलब कोई किसान सोचता है कि यार पिछले साल प्याज को बहुत अच्छा भाव था, बहुत अच्छा रेट मिला था, तो मैं भी इस साल प्याज लगाता हूँ, और अपने आजू बाजू के आस पड़ोस के एरिया में भी प्याज ही बहुत चल रहा है, तो ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, अगर आपका रेगुलर बेसिस पे अगर एक कैश क्रॉप डिसाइड हो चुका है तो आप लगा सकते हो, जैसे कि गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, कुछ कुछ सॉइल के लिए या एरिया वाइज वो कैश क्रॉप लगाना जरूरी होता है। लेकिन आप उसमें कंपैरिजन मत करो कि मेरे बाजू वाला जो था उसने पिछले साल ये क्रॉप लगाया था, उसको बहुत अच्छा फायदा हुआ, तो मैं भी वो लगाता हूँ। नहीं, माँ ने शायद से आपके लिए कुछ अलग सोच रखा होगा। तो जो भी किसान इस साल का अपना क्रॉप पैटर्न अगर डिसाइड कर रहे हैं तो 2-3 दिन पहले माँ के सामने बैठो, ध्यान में जाओ, माँ से सवाल पूछो कि हे माँ, इस साल मुझे कौन सी फसल लेनी है, कौन सा क्रॉप में आपको क्या लगता है कि इस साल में कौन सा क्रॉप लगाओ। आप चाहे तो माँ को 2-3 ऑप्शंस दे सकते हैं, तो 2-3 ऑप्शंस में आपको जिस क्रॉप के लिए अच्छा वाइब्रेशन आया है तो वो क्रॉप अगर आप लगाओगे तो 100% आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीजें अपने जो किसान भाई है मैं उनको विनती करूंगा कि
कि ये भी वो चीजें ट्राई कर सकते हैं। जहां हम पूरा भारत भर जो सेमिनार लेते हैं वहां पे हम बहुत सारे अपने किसान भाइयों का भी उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे किसान भाई है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उसमें उन्होंने इसी तरह अगर अपनाई है तो उनको अच्छे से उसमें बेनिफिट मिला है, तो भी प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। दूसरी चीज है पशुपालन में, बहुत सारे लोग हैं आप पशुपालन में भी हमें ये चीज करना है। सबसे बेसिक क्या है कि चैतन्य का हमें इस्तेमाल करना है, माँ से प्रार्थना करनी है, ये सबसे बेसिक है। तो पशुपालन करते वक्त जो कुछ आप पशुओं को खाद्य देने वाले हैं, ठीक है, उस खाद्य को भी आपको चैतन्यमय करना है माँ की कृपा में। उनको जो पानी पीने के लिए देने वाले हैं वो पानी को चैतन्यमय करना है। जो आपका जो पशु का जो ये है क्या बोलते हैं मराठी में जिसको गोठा बोलते हैं, गाय का गोठा, तर वहां पे हम साउंड सिस्टम का अगर कुछ अरेंजमेंट करवा सके तो आप करवाओ। सवेरे शाम को उनको भजन सुनाओ, आप देखोगे कि पशु में भी उनमें एक उल्लास उत्पन्न होता है, एक उनमें आनंद आता है कि वो जब भजन सुनते हैं तो खिलखिलाते हैं, और उस समय जो गाय जो है वो अच्छे से दूध दे पाती है। तो इस पे भी कुछ रिसर्च हुए हैं, अगर हम सहज कृषि टेक्निक पशुपालन में इस्तेमाल करते हैं तो उनके उनका जो आरोग्य है उसमें भी सुधार हुआ है, उनके दूध उत्पाद में भी बढ़ोतरी हुई है, और उसके साथ साथ दूध का जो क्वालिटी है, दूध की जो क्वालिटी है, जो फैट लेवल है, उसमें भी अच्छे से बढ़ोतरी हो पाई है, तो ये भी प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हम पशुपालन में भी परम चैतन्य का और सहज कृषि का बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस जब हाँ बोलिए भैया चंद्रशेखर जी, यहाँ पर एक सवाल आया है डॉक्टर योगिता जी से, गार्डन जो है उनका, उसके कोई कोई प्लांट्स है जैसे फूलों के प्लांट्स है, जस्मिन के प्लांट्स है, तो उसमें फंगस हो जाता है। ओके। और जैसे कि नींबू वगैरह जो है, जो फूल फल के जो पेड़ है ना, उनमें से छोटे छोटे शंख आ जाते हैं। ओके। ठीक है, वो बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर जो पद्धति से? अच्छा, सबसे पहले तो ओके सबसे पहले तो मैं दीदी को कहना चाहूंगा, आप उसमें चैतन्यमय पानी रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करो, गणेश मंत्र और गणेश अथर्व शीर्ष का इस्तेमाल करो। ये हो गया सहज कृषि के साइड से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक मराठी में एक ये है, उसको हम फर्टिलाइजर कह सकते हैं, निम्बोली अर्क उसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड है लेकिन वो ऑर्गेनिक है। वो आपको कहीं से मार्केट में से अगर मिलता है तो आप वो लीजिए। पौधे की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा हमें ये करना है, पौधे से अलग करना है थोड़ी सी मिट्टी, और वो जो है निम्बोली अर्क वो उस पे उसके रूट्स के वहां पे डालना है, और वापस उसके ऊपर मिट्टी लगा देनी है और हल्का सा पानी आपको उसमें डालना है। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये जो एक तरह की जो एक फंगस है वो उसमें से कम हो सकती है, और जैसे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। हाँ, जो भी उससे कीड़े लग जाते हैं तो भी उससे निकल जाते हैं। कीड़े लगने का एक ये होता है कि अगर आप मिट्टी को बार बार अगर ऊपर नीचे नहीं करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फंगस डेवलप हो जाता है, या अगर पानी अगर ज्यादा जो पॉट होता है, पौधे का जो पॉट है, कुंडी जो है, उसमें अगर पानी आप ज्यादा देर रखते हो तो भी वहां पे कीड़े होने का मात्रा उसमें या उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप उस पे देखिए कि पानी वहां पे ज्यादा देर स्टैग्नेंट ना हो, जितना पानी उसको आवश्यक है उतना ही पानी आपको देना है, और वो चैतन्यमय पानी देना है। और ये जो मैंने कहा है कि ये जो निम्बोली अर्क है उसका आप इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जो मार्केट में जो शॉप है, कृषि सेवा केंद्र होते हैं, उनको अगर बताया तो वो भी आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस वहां पे दे सकते हैं। इस पे मैं एक सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल हमें करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ, सेंद्रिय की तरफ हमें जाना है। हाँ, लेकिन जो किसान भाई अभी तक केमिकल खेती कर रहे हैं तो वो सडनली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट ना हो, अगर वो वैसा करते हैं तो उनको रिजल्ट्स नेगेटिव में जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर एक सॉइल की नेचर होती है, उसका जो नेचर है वो चेंज होने में, डेवलप होने में कम से कम 3 साल लगते हैं।
तो आप अगर 100% आज केमिकल खेती कर रहे हो तो तुरंत ऑर्गेनिक पे शिफ्ट मत होइए, धीरे धीरे उसमें उसको ऑर्गेनिक में शिफ्ट करवाओ। और उसके साथ साथ अगर आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आप उस वो पानी में मिक्स कर रहे हैं तो वो जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो वाइब्रेटेड पानी आप यूज करो, ताकि वो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के साथ उसी टाइम पौधों को वाइब्रेटेड पानी का भी उनको वो मिल सकता है, ताकि ये जो केमिकल जो हार्मफुल है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा और वाइब्रेटेड वाइब्रेशन से उनको एक फसल में अच्छी वृद्धि मिल सकती है। तो जब कभी भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करना है तो उसके साथ चैतन्यमय पानी आप यूज करो। भैया यहाँ पर और एक सवाल, एक सवाल ये था कि जब हम कुछ बहुत सारे दिनों के लिए प्रचार प्रसार के लिए बाहर रहते हैं, राइट, हमारे पास हम पेड़ लगाते हैं, हमारे घर में तभी कोई होता नहीं उसे संभालने के लिए उस वक्त, कि उसे रोज पानी दे और इस तरह से करे, तो जब हमारा 15-20 एक महीने का ऐसा टूर होता है, ठीक है, तो उस वक्त वो जो पेड़ है जो हमने लगाए हुए है, जो बाग को लेकर छोटा सा बनाया, वो आने के बाद देखते हैं थोड़ा सूख जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भैया आपकी आवाज बीच में कट हो रही है। अगर समझे हम 15-20 दिन के लिए सरसों प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हमने जो बाग बगीचा छोटा सा बनाया है तो उसमें रोज पानी देने के लिए कोई होता नहीं है, okay. तो उस वक्त जो है हम किस तरह से करें जिससे कि हम उसे पानी मिलता रहे, या तो फिर वो अच्छी तरह से जो है सूखे ना। ओके तो उसमें एक चीज हम कर सकते हैं, ड्रिप लाइन हम डाल सकते हैं। अगर आपके टेरेस गार्डनिंग अगर आप कर रहे हो या बगीचे में अगर जगह है तो आप ड्रिप लाइन मतलब टंकी से आप एक पानी का एक कनेक्शन निकाल सकते हो, ड्रिप लाइन थ्रू आप उसमें पानी की व्यवस्था कर सकते हो, जहां से पौधों को टाइम टू टाइम इन द सेंस बूंद बूंद के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन उनको मिलता रहे। अगर जगह कम है या खर्चा नहीं करना चाहते तो उसमें एक बहुत सिंपल सी एक और एक तकनीक है, आप बाजार में से कोई भी फेंकी हुई या जो यूज हो चुकी जो सलाइन बोतल है वो आप ला सकते हैं, उस पौधे के ऊपर आप वो सलाइन बोतल को उल्टा लगा दीजिए, जैसे हम इंसान को सलाइन लगाते हैं वैसे आप सेम सलाइन का कनेक्शन आप कर सकते हो, जिससे और उसका जो फ्लो है आप वो मैनेज कर सकते हो, बूंद-बूंद से भी उसको पानी मिल सकता है, तो वो आप ये टेक्निक भी वहां पे यूज कर सकते हो। yes. और कोई है जिसे सवाल पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, या तो फिर अपने सवाल जो है अगर हो सके तो टाइप करके भेजे ताकि हम बेहतर तरीके से बता सके। अभी ये बात हुई जो है ये सहज कृषि कैसे करनी इस बारे में बात, ठीक है, अभी हम इसके नेक्स्ट लेवल की बात करें, जैसे कि अच्छा ठीक है आप कुछ दिखा रहे, तो मैं ये कह रहा था कि इससे जो धान निकलेगा, अभी आज जो है बहुत सारे जगह पे जो है कि अगर आप महाराष्ट्र की न्यूज देखेंगे तो जो बीज होते हैं उसमें काफी जो है मतलब नकली बीज जो है, या तो फिर जो कि कम दर्जे के बीज होते हैं वो बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, बहुत सारे इसमें जो है कि जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं वो अच्छे तरह के नहीं होते, ठीक है, अच्छे दर्जे के नहीं होते, तो इस वजह से खेती में बहुत सारा असर पड़ता है, तो उस वक्त कैसे करना चाहिए? देखो बीज अभी हर एक आपके क्रॉप के हिसाब से उनकी कंपनियां है, जो अभी हम ये तो नहीं कर सकते कि इस कंपनी का बीज अच्छा है उस कंपनी का बीज अच्छा है, खाली चेक करना है कि उसकी जो जनरेशन है वो कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए प्याज की जो बीज है वो फर्स्ट जनरेशन का अगर बीज है तो वो आपको 90% तक रिजल्ट दे सकता है, सेकंड जनरेशन का आपको 70% रिजल्ट दे सकता है, थर्ड जनरेशन का जनरली कोई इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इसमें अगर आपको पता है पर्टिकुलर कंपनी का बीज अच्छा है तो आप वो लो, ठीक है, या अगर आप रैंडमली कोई भी कंपनी का बीज अगर लेके आते हो तो सबसे बेसिक जो है सबसे पहले उसको वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है, जैसे अभी तक के प्रेजेंटेशन में हमने देखा है कि चैतन्य कैसे काम करता है, तो उसको हमें वाइब्रेट करना ही करना है,
ताकि उसका जो अंकुरण है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो अच्छे से हमें प्राप्त हो सके। और उसके साथ साथ जो सॉइल का जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने सेकंड थर्ड स्लाइड में जो देखा है, सॉइल के जो कॉम्पोजिशन है वो उसी तरह से होने चाहिए। और उसमें एक टेक्निक है, हर किसान जानता है कि हर साल की बुआई के पहले वो खेत को जोतता है। मतलब क्या होता है कि जो अंदर की जो सॉइल है वो ऊपर आनी चाहिए, हाँ, ताकि उसे क्या है कि सूरज की जो रोशनी है उसमें मिलनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सॉइल के जो अगर कुछ फंगस डेवलप हो चुकी है तो वो कम हो जाती है, उसके जो मिनरल्स है, उसके अंदर के जो मिनरल्स है वो अच्छे से डेवलप्ड हो पाते हैं। तो ये भी तकनीक हमें यूज करनी है ताकि जो सोइंग है, जो इस साल की जो बुआई है, उसमें हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। यहाँ पर और एक सवाल है सोनल बजाज जी से, वो पूछ रही है कि अगर हम पॉट में अगर प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, घर में या बालकनी के लिए, तो उसमें कुछ तरह का पॉट बेहतर होता है, यानी कि मार्केट में अभी जो है जूट पॉट अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉट है जो अवेलेबल है और अच्छे से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा दूसरा एक सवाल है इसके साथ ही, क्या श्री माता जी ने बताया है कुछ इस तरह से कि हमें ये पेड़ लगाने चाहिए या इस तरह के पेड़ हमारे घर में होने चाहिए? ओके, तो पहला जो आपका सवाल है, हम जानते हैं कि कृषि एक जीवंत क्रिया है, तो हमें जितना हम अर्थ मतलब मिट्टी का अगर हम ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। माँ ने भी कहा है कि प्लास्टिक हमें निग्लेक्ट करना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो प्लास्टिक के पॉट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। जो मिट्टी से बने हुए जो पॉट है वो हमें इस्तेमाल करने हैं, ताकि उसमें क्या है, उसके पीछे एक साइंस है कि मिट्टी का अगर पॉट है तो उसमें से परकोलेशन और जो वेंटिलेशन है वो अच्छा मेंटेन होता है। आजकल सीमेंट के भी पॉट आ गए हैं, तो सीमेंट के पॉट में भी एक कुछ कुछ पौधों के लिए अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में अगर मिट्टी का पॉट अवेलेबल नहीं है तो आप एज अ ऑप्शन सीमेंट के भी पॉट हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो दूसरा सवाल था कि कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए, तो साइंस के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जो पौधे अपनी आस पड़ोस की हवा को प्यूरिफाई करें वैसे पौधे हमें लगाने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बगीचे में इसका वड़ाचा झाड़ा लगाए, मतलब और पिंपल से झाड़ लाऊ सकते हो, असा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बनियन ट्री अगर हम लगा तो नहीं सकते अपने इसमें, ठीक है। तो स्मॉल स्केल पे या छोटे पौधे भी ऐसे बहुत सारे हैं कि जो हमें अपनी आस पड़ोस की जो हवा है वो प्यूरिफाई करके दे सकते हैं, वो भी पौधे बहुत अच्छे हैं। अगर आपको छाव के लिए चाहिए तो उस टाइप के भी कुछ पौधे हैं, चंपा का आप चाफा जो है उसका भी आप पौधा लगा सकते हो, गुलाब का लगा सकते हो। उसके साथ साथ अगर जगह है तो नीम का पेड़ लगाओ आपके आजू बाजू में। जो किसान भाई है अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप वो ले रहे हैं तो उनका खेत की जो बाउंड्री है वहां पे वो ड्रम स्टिक मतलब शेवग्याचा शेंगा उनका क्रॉप लगा सकते हो, तो उसके पीछे पीछे दिखा हुआ है। हाँ, स्लाइड में मैंने ड्रम स्टिक का ही फोटो लगाया है। ये जो अपने भैया है अकोला के युवा शक्ति भैया है, वो उनका हाथ ऊपर करके दिखा रहे हैं कि ड्रम स्टिक की साइज क्या है, 1 मीटर इतनी लंबी वो ड्रम स्टिक की साइज उनको प्राप्त हुई थी। तो ये भी एक मिरेकल है सहज कृषि का। तो ये ड्रम स्टिक के बहुत सारे फायदे हैं। अगर कोई किसान भाई अपने खेत के बाउंड्री पे अगर ड्रम स्टिक लगाते हैं तो वो ड्रम स्टिक का जो मतलब जो हवा बहती है तो ड्रम स्टिक के पेड़ों से बहने वाली जो हवा है वो अपने फसल में जाती है और उसके भी अच्छे खासे मेडिसिनल इफेक्ट फसल पे हमें देखने को मिल सकती है। प्लस उसके साथ साथ जो सॉइल है उसके भी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसमें भी अच्छा खासा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो ड्रम स्टिक के भी मेडिसिनल बेनिफिट्स अच्छे खासे है, तो वो भी वो अपने बाउंड्री पे लगा सकते हैं। प्लस उसके साथ इसमें और एक कहना चाहूंगा, माँ ने कहा है कि अगर आप मुझे सुंदर फूल अगर अर्पित करते हो
तो आपका मूलाधार चक्र स्वच्छ होता है, क्लियर होता है। और अगर आप सुगंधित फूल मुझे अर्पित करते हो तो आपका स्वादिष्टान चक्र क्लियर होता है। तो इसमें से आप दोनों भी लगा सकते हो ताकि हम रोज माँ को इस तरीके से फूल अर्पित कर सके। इसमें अभी जो है यस आप बता रहे हैं, एक चंद्रपुर का एक्सपेरिमेंट है, कपास के ऊपर किया गया था। ये अपने राहता के राणे काका है, ये भी अच्छे सहज कृषक है। हर साल ये कृषि सहज कृषि द्वारा ही अपने खेती करते हैं। ये अनार की फसल है। अपने एक भाई है सांगली आटपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, संदीप देशमुख जी, जो हर साल सहज कृषि टेक्निक अपना कर लगभग 40 से 50 टन अनार यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं और हर साल उनको एरिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट उनको मिलता है अपने अनार के लिए। और इसकी वजह से 2-3 साल पहले उनको आधार कृषि भूषण का भी पुरस्कार गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्राप्त हुआ है। ये ग्रेप्स की फसल है नासिक में, ये शिमला मिर्च की है, ये सोयाबीन की है, ये पपाया की है, ऐसे बहुत सारे है, ये टर्मरिक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो सहज कृषि में किए गए हैं। और ये सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट और एक अलग एंगल से मैं आपको बताना चाहूंगा सहज कृषि का, कि जैसे हम अक्षय तृतीया पे सब लोग जल पूजन करने जाते हैं, ठीक है, तो ये जल पूजन से माने कहा है कि जल पूजन अगर आप करते हो तो वही इवेपोरेशन बाष्पीभवन के टाइम पे चैतन्यमय जल का बाष्पीभवन होगा और आस पड़ोस के एरिया में जो भी वर्षा होगी, जो भी बारिश होगी, वो चैतन्यमय होगी। तो इसलिए माँ ने हमें खास तौर से बताया है कि हमें अक्षय तृतीया पे जल पूजन करना चाहिए। हेल्थ इफेक्ट, हाँ, हेल्थ इफेक्ट में काफी इम्पोर्टेंट है। यस, ये कुछ कंपैरिजन है कि आप ऑर्गेनिक खेती और केमिकल खेती में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिक के क्या बेनिफिट्स है, केमिकल के क्या ये है हजार्डस है, वो यहाँ पे हमें दिखाया है। सबसे बड़ा जो दोष होता है वो कैंसर। यस यस यस, ये कुछ प्राइजेस है जो सहज कृषि स्टॉल को अलग अलग एग्जीबिशंस में मिले हैं। जम्मू में फर्स्ट प्राइज मिला था फ्लावर शो में। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सहज कृषि खुद के लिए तो है ही, लेकिन समाज के लिए कैसे जरूरी है वो हम जानते हैं। कि देखो, कोई किसान भाई अपना सहज कृषि भाई उसके खेती में जब कोई भी फसल उगाता है तो डेफिनेटली वो चैतन्यमय फसल उगने वाली है, ठीक है। तो वो चैतन्यमय फसल वो खुद तो खाने वाला है, लेकिन वो मार्केट में भी जाने वाली है। तो मार्केट से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो नॉन सहजी भाई है वो अनाज खाएगा या वेजिटेबल्स खाएंगे या फसल किसी ना किसी तरीके से वो खाने वाले हैं। तो क्या होगा कि उसके शरीर के अंदर उसमें भी एक तरह से चैतन्य पहुंच चुका है, बराबर, वो वाइब्रेटेड फसल के जरिए से। तो जब कभी भी आज के तारीख में अगर वो नॉन सहजी है, लेकिन अगर कल जाके उसके एरिया में अगर सहजों का प्रचार प्रसार है तो उसके अंदर का जो चैतन्य है वो उसको ऑटोमेटिकली वहां पे खींच के लेके जाता है कि भाई तुम्हें वहां पे जाना है, जो तू चाहता है, जो जिसके लिए तूने इंतजार किया है वो आज वहां पे अवेलेबल है। तो उसे वहां पे वो इच्छा जागृत होगी, वहां से वो ट्रिगर आउट होता है, भाई तुझे वहां पे जाना है, तू जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो वहां पे आ चुकी है और तू वहां से उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है वो ना दिखाई देने वाला बेनिफिट है, ये सब चैतन्य का कार्य है, माँ इस तरीके से वो कार्य करवाती है। तो ये भी इस तरीके से, इस तरह से जो है हर घर परिवार जो है वो सहज परिवार बन सकता है। सहज यस यस, जो आपने मैसेज में लिखा है, जो मोटो है, हर घर हर परिवार हर मोहल्ला सहज होगा, तो वो इस तरीके से। तो इसलिए माँ ने बार बार कहा है कि सहज कृषि का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं विनती करना चाहूंगा जितने भी अपने किसान भाई है, सहजी भाई है, जो आज तक सहज कृषि टेक्निक नहीं अपना रहे थे,
तो मैं उनसे विनती करूंगा आपके पास खेती है तो आप जरूर इसका सहज कृषि टेक्निक 100% अपनाओ। आपको जब कभी भी इसमें अगर कुछ अड़चने आती है आप कभी भी हमें फोन कर सकते हो। अपनी ऑल ओवर इंडिया सहज कृषि के लिए अलग से एक टीम है, जहां कहीं भी आप हो आप तक वहां पे हेल्प पहुंच जाएगी। इसके लिए अपनी वेबसाइट भी है sahajkrishi.org.in करके वेबसाइट भी है, मैं दादा से बाद में शेयर करूंगा, वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं चैट में इसको भेज देता हूँ सबको। तो ये तो वहां पे भी वेबसाइट पे भी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। यहाँ पे एक और ट्रीटमेंट है जो हमने अभी पिछले दिवाली में नचिकेत भैया के खेती में भी की थी। आप शुरू में कर सकते हैं। जब आप आपको ये जो ट्रीटमेंट है वो 5 नारियल ट्रीटमेंट है या 3 नारियल की ट्रीटमेंट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे अगर सर्च करते हो 5 नारियल ट्रीटमेंट या सहज कृषि टेक्निक तो वहां पे वो वीडियो अवेलेबल है। अपने वेबसाइट पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। पूरा डिस्क्रिप्शन पूरी प्रोसीजर उस वीडियो में समझाई गई है। हर एक बारीक चीज उसमें समझाई गई है कि आप अपने खेत में ये 5 नारियल ट्रीटमेंट मतलब आपके खेत में आपको गणेश तत्व कैसे जागरूक करना है और वो 5 नारियल ट्रीटमेंट या गणेश तत्व आपके खेत की कैसे रक्षा करती है, उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये इस 5 नारियल ट्रीटमेंट में दिखाया गया है। और ये आपको एक ही बार करना है, हर साल करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एक ही बार करना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो चंद्रशेखर जी, अभी किसी का सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो हम लास्ट कॉल देते हैं आपको। तो कोई सवाल अगर पूछना है तो चैट करें हमें, ताकि हम उसके जवाब दे सके। चंद्रशेखर जी, रियली थैंक यू। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है, जो ऑडियंस है, जो आगे वीडियो देखेंगे, सारे लोग जो है अपने घर में कम से कम एक आध दो पेड़ लगाए, जिसमें जो है वो चैतन्य उस मिट्टी में जाए, उन्हें उस प्रेम का जो है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम अपना चैतन्य सिर्फ मनुष्य को दे रहे थे, अभी हमें जो ये चैतन्य हर पेड़ को देना है, हर जानवर में जो है ये चैतन्य फैलना चाहिए, ताकि जो है ये चैतन्य, ये सृष्टि जो है, ये प्रकृति जो है वो चैतन्यमय बने। तो आज से हमारे साथ अभी जो 22 लोग जुड़े हुए हैं और में छोड़ के, तो वो और ये सारे जो है ये वीडियोस आगे चल के देखेंगे, ये सारे आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारे खेत खलियान, ये सारे जो है ये सहज कृषि और सहज चैतन्य से बने होंगे। इसके लिए हम श्री माता जी को एक वचन देते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर जो है चंद्रशेखर जी, किसी के सवाल नहीं आए हैं तो मैं एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, एक लास्ट एडवाइस आपसे कि आपने इतने 17 साल से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज है जो आपको लगी कि ये चीज जो है ये सहज कृषि के ये जो आपने बताया उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है, या तो फिर कोई सी चीज है जो इसे रोकती है हर संयोग करने से? भैया रिपीट करेंगे आपका सवाल, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने ये 17 साल में अनुभव की और आपको लगा कि ये सहज कृषि दुनिया बदलने का एक बेहतरीन तरीका है, जो श्री माता जी का सेल्फ रियलाइजेशन है उसी तरह से ये तरीका है, उससे जुड़ा हुआ ये तरीका है, तो वो ऐसे कौन सी चीज आपको दिखाई थी, और ऐसे कौन सी चीज है जो आपको, मुझे और सबको जो है ये सहज कृषि करने से रोक देती है? हम क्यों नहीं शुरुआत करते, इतने साल से सहज कृषि इतना धीमी क्यों चल रहा है? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर देखा जाए तो मैं मेरे उम्र के 6 साल से सहयोग कर रहा हूँ। उस टाइम तो हम बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है कि माता पिता जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो हम करते हैं, लेकिन जैसे हम सज्ञान हुए तो धीरे धीरे एक एक चीज हम जानने लगे। जैसे मैंने बताया कि जो डिग्री प्राप्त की उस वक्त तक खेती के बारे में या एग्रीकल्चर के बारे में हमारा 1 मिनट का भी कोई संबंध नहीं था, लेकिन डिग्री से कुछ चीजें सीखी और उसके बाद पता चला कि सहज कृषि भी ऐसी एक चीज है जो एक सहयोग का एक पहलू है, तो उसका हम बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से 2016 के आसपास एक सहज कृषि एग्जीबिशन था अहमदनगर में, तो उस टाइम अपने एक नेशनल कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर महेश आवर,
तो वो सहज कृषि कोऑर्डिनेटर थे, तो उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा स्टॉल हम लगा सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भैया लेकिन स्टॉल का रेंट बहुत है, शायद 10,000-15,000 भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि देख हम किसी भी ऐसे एग्जीबिशन में अपने कृषि स्टॉल के लिए एक पैसा भी नहीं देते हैं, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करो। मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। तो जब घर से निकलने वाला था, बंधन लिए, माँ से प्रार्थना की कि माँ ऐसा ऐसे चीज के लिए हम जा रहे हैं, तो आप कृपया करके ये स्टॉल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दे, या आपको जैसे अच्छा लगे आप इसे उपलब्ध करवा दो। तो मैं कहना चाहूंगा कि उस समय एक क्षण में पूरा मैं पूरा इतना आनंद में हो चुका था, हृदय में इतना प्रेम भर के आया था और मैं पूरा चैतन्य से ठंडा हो चुका था। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि अपना काम माँ ने कर दिया है, खाली हमें वहां पे सिर्फ जाना है। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं वहां के ऑर्गेनाइजिंग टीम के पास गया, उनको कहा कि भैया हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, खाली हम यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं चलाते हैं, तो हम आपको रेंट नहीं दे सकते हैं, तो आप हमें फ्री में स्टॉल दे सकते हो क्या? उसने अगले ही मिनट कहा कि आपको स्टॉल दिया करके, आपको स्टॉल दे दिया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद 5 दिन का वो एग्जीबिशन था, उस एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा क्राउड माँ की कृपा से अपने स्टॉल पे थी। लास्ट डे पे पूरी टीम अपने स्टॉल पे आई, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा भीड़ आपके स्टॉल पे थी, आपकी वजह से पूरे एग्जीबिशन में भीड़ हो चुकी है। और वहां से हमें लगभग 3 एग्जीबिशन के लिए इन्विटेशन मिला, तीनों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें स्टॉल उपलब्ध करवा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि आप जो ये कर रहे हो एक तरह का सोशल वर्क तो है ही, अध्यात्म से भी आप जुड़े हो और ये किसानों की आज की जरूरत है। किसान तो आज सिर्फ बैल मजूरी या गधा मजूरी कर रहा है या किधर से पैसा मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, इस चीजों में पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आप सहज कृषि के साथ उनका पर्सनैलिटी डेवलप भी कर रहे हो, मेंटली डेवलप भी कर रहे हो, हेल्थ भी डेवलप कर रहे हो और ओवरऑल डेवलपमेंट आप उसमें कर रहे हो। तो ये चीजें वहां पे रिकॉग्नाइज हुई, तब मुझे पता चला कि सहयोग और सहज कृषि में बहुत बड़ी ताकत है और ये चीजें हमें हर घर तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। सिर्फ कभी कभी दुख इस चीज का होता है कि जब हम सेमिनार्स लेते हैं सहज कृषि के बारे में, सबसे पहले हमारा मोटो है कि जो अपने सहयोगी जो कृषक है उनको ही पता नहीं है कि सहज कृषि क्या है या वो कैसे करनी चाहिए। तो हमारा शुरू में मोटो यही रहता है कि जो अपने सहयोगी जो किसान भाई है वो उन तक सहज कृषि पहुंचे, उनमें खुद में आत्मविश्वास आए कि भाई हाँ ये सहज कृषि से हमें ये फायदे होने वाले हैं। क्योंकि आज क्या हो गया है कि किसान सिर्फ अपना एक बेनिफिट देखता है कि इतनी फसल आएगी, मुझे इतना रेट मिलेगा, उससे मुझे ये फायदा होने वाला है। लेकिन सहज कृषि अगर वो सही में अगर करता है, पूरे दिल से अगर करता है, तो उसको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो खुद भी विश्वास नहीं करेगा कि इसमें इतना, या जो माने कहा है हर एक चीज इसमें सत्य में उतरने वाली है, उसके मिरेकल जो है वो बहुत है। मतलब आपको अगर मैं बताने जाऊं तो ये रात शायद हमें कम पड़ जाएगी, इतने बहुत सारे मिरेकल से, मतलब इस तरह के से मिरेकल है आपको बताना चाहूंगा। सहजयोगी किसान के भाई में उसके बाजू में 2 नॉन सहजी खेती है, बाजू के 2 खेतों में ओलों की बौछार हो रही है और उसके खेत में नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाजू वाले किसान के खेत में से नील गाय उसके फसल को खराब कर रही है लेकिन अपने सहजी भाई के खेत में नहीं खराब कर रही है, ये कैसे संभव है? ये सिर्फ चैतन्य का और माँ का आशीर्वाद ही ये मिरेकल्स करवा सकता है। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स है, तो मेरे सभी को विनती है कि आप इसमें उतरो, सहज कृषि जरूर ही अपनाओ, ये आपको डेली बेसिस पे। इस पे और एक फायदा क्या है, हम कृषक को क्या बोलते हैं कि इसमें 2 ही आपको ये है कंपल्शन है, वो क्या है, आपको रेगुलर ध्यान करना है और खेत में जाके चैतन्य देना है। तो बेनिफिट लेना है, देना है, लेना है, देना है और देना है। और जब हम देते बांटते तो उससे अपने अंदर से भी जो चैतन्य का बहाव है, जो फ्लो है, वो हमारे अंदर से भी बढ़ता है। और कंपल्सरी हम मीठ पानी करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने अंदर से जो वाइब्रेशन का जो फ्लो है वो भी बढ़ता है। मतलब अगर देखा जाए हर एक एंगल से सहज कृषि के फायदे बहुत है।
और आने वाले समय में जो धान धन धान जो कम होगा, धान्य की जो कमतरता होगी, उस समय में जो है ये ही ध्यान, यही धान्य जो है ये सबके काम आएगा, उससे आने वाला समाधान काम आएगा, ठीक है। और इसी से जो है हमारे उत्क्रांति की अवस्था बहुत बेहतरीन होगी। इसी से हम जो है चंद्रशेखर जी आपका धन्यवाद मानते हुए, श्री माता जी का धन्यवाद मानते हुए इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। हम सबसे विनती करेंगे कि आज से अभी से हम शुरुआत करेंगे सहज कृषि से, क्योंकि इस कृषि से जो है दुनिया और बेहतरीन होगी और दुनिया लंबे समय तक बनेगी। और उससे ही जो है श्री माता जी को हम नमन करते हुए ध्यान की अवस्था में इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू श्री माता जी, आपने ये हमें सेशन के अनुसार और उस श्रेष्ठतम व्यक्ति से मिलाकर हमारे ज्ञान में जो वृद्धि की, और आपके आशीर्वाद से हमें चैतन्य में किया, निर्विचारता में जो ज्ञान प्रदान किया, उसके लिए हम आपके पूरे रूप से ऋणी हैं। आपके कोटि कोटि धन्यवाद, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी, अपना एक नारा है, अलग जगाओ अलग जगाओ, सहजोग सहज कृषि फैलाओ, अलग जगाओ अलग जगाओ, सहजोग सहज कृषि फैलाओ। हमारा भी नारा है सहजोग ग्लोबल परिवार का, कि आप आओ चलो मिलकर बनाए, अब हर घर पर अब हर परिवार सहजोग परिवार। तो हम कोशिश करेंगे सारे के अभी से हर परिवार जो है वो सहजोगी परिवार है। थैंक यू रामकृष्ण जी, थैंक यू डॉक्टर सारिका, थैंक यू गुलिया जी, ठीक है, थैंक यू दुर्गा जी, थैंक यू योगिता, थैंक यू मकेर राव जी, गैलेक्सी, मैं यहाँ पे शैलेश दादा और नचिकेत भैया का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि जो कुछ भी माँ ने सिखाया है, जो बताया है, वो सहज कृषि के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाऊं, और इस कार्य में माँ ने मुझे एक माध्यम बनाया है, उसके लिए श्री माँ का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री माता जी। चंद्रशेखर जी आपके बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें निर्विचारता में इतना सारा ज्ञान प्रदान किया। इस पूरे सेशन में हम निर्विचार और प्रेम का आनंद महसूस कर रहे थे। और साक्षी जी थैंक यू, प्रसन्ना जी, तन्वी जी, आपके सबके लिए निर्मल शुभरात्रि। जय श्री माता जी।